नमस्कार, मैं दीति फौजदार, आप देख रहे हैं हमारे साथ द नगरी न्यूज। जैसा कि आप सभी को बता दें कि इस बार भारत के 75वें गणतंत्र दिवस के मेहमान हैं फ्रांस के राष्ट्रपति इम्यून मैक्रोन। लेकिन उससे ठीक एक दिन पहले आज मैक्रोन जयपुर भी आ रहे हैं। जयपुर में फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन ने ना सिर्फ पीएम मोदी के साथ मुलाकात होगी, बल्कि दोनों त्रिपोलिया से लेकर सांगानगर गेट तक रोड शो भी करेंगे। दोनों नेताओं का ये रोड शो करीब 1.5 किलोमीटर का होगा। इस दौरान पीएम मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति को भारत की संस्कृति का झलक भी दिखाएंगे। इसके साथ ही राष्ट्र अध्यक्षों के बीच द्विपक्षीय बातचीत और महत्वाकांक्षी राजनीतिक साझेदार मजबूत होगी, जिसकी घोषणा पिछले साल जुलाई में मोदी के प्रेस यात्रा के दौरान की गई थी। मैक्रोन 26 जनवरी को दिल्ली के कर्तव्य पथ पर होने जा रहे 75वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि हैं। वहीं इस भव्य कार्यक्रम में शामिल होने वाले फ्रांस के छठे नेता भी बन रहे हैं। जंतर मंतर में फ्रांस के राष्ट्रपति का स्वागत राजधानी अंदाज में होगा। इस दौरान राजस्थानी संस्कृति का कार्यक्रम भी रखा गया है। जंतर मंतर से निकलने के बाद पीएम मोदी और मैक्रोन हवा महल जाएंगे, जहां प्रधानमंत्री मोदी के साथ वे सेल्फी भी लेंगे और साथ में चाय भी पियेंगे। इस दौरान दोनों ने हवा महल पर चाय पीने का भी कार्यक्रम रखा, साथ ही हैंडीक्राफ्ट की दुकानों से भी खरीदारी कर देखे जाएंगे। हवा महल से निकलने के बाद दोनों नेता रामबाग पैलेस जाएंगे, जहां मॉड्यूलर परमाणु रिएक्टर्स प्रोजेक्ट समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। मौके पर बता दिया जा रहा है कि मैक्रोन रात को ही दिल्ली रवाना होंगे। वहां 26 जनवरी को फ्रांस राष्ट्रपति गणतंत्र दिवस परेड के चीफ गेस्ट में शामिल होंगे। इसके बाद ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रीय भवन में मैक्रोन के सम्मान के लिए रिसेप्शन और स्टेज डिनर की भी तैयारी कर रही है। मैक्रोन इससे पहले 2018 में स्टेज विजिट पर भारत आए थे। इसके अलावा सितंबर में 2023 में G20 समिट के लिए फ्रांस राष्ट्रपति दिल्ली पहुंचे थे। इस बार के दौरे में मोदी के बीच द्विपक्षीय बैठक के दौरान इजराइल हमास जंग, लाल सागर के हूतियों के हमले, इसके अलावा देश के डिफेंस साझेदारी, स्पेस के क्षेत्र को ऑपरेशन और EU ट्रेड डील्स पर बातचीत हो सकती है। 1976 से लेकर भारत अब तक 5 बार फ्रांस के राष्ट्रपति को रिपब्लिक डे की आमंत्रण दे चुका है। प्रधानमंत्री 14 जुलाई 2023 को फ्रांस के बेस्टिल डे परेड के बेस्ट चीफ गेस्ट भी रह चुके हैं। वे इस परेड में शामिल होने वाले दूसरे भारतीय प्रधानमंत्री बने थे। परेड में भारतीय रफेल ने उड़ान भरी थी। वहीं इसके बाद ही भारत में तीनों सेनाओं के मार्चिंग दस्तों पर भी देखा गया था। इसके साथ ही मोदी ने पहली बार मनमोहन सिंह बेस्टिल डे परेड में शामिल हुए थे। आजादी के बाद 77 वर्ष में यह पहला मौका है जब गणतंत्र दिवस के अवसर पर किसी देश के हेड ऑफ स्टेट भारत के प्रधानमंत्री के साथ जयपुर आ रहे हैं। ऐसे में लोग मन में ये सवाल लेकर बैठे हैं कि मोदी ने अहमदाबाद की बजाय जयपुर को क्यों चुना। दरअसल पीएम मोदी ने जयपुर को इसलिए चुना क्योंकि उन्हें राजस्थान बहुत ही अच्छा लगने लगा है। वे नवम्बर 2022 से अब तक 12 बार राजस्थान आ चुके हैं। ऐसे न्यूज़ अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे चैनल द नगरी न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।